यूपी की, जहां अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। एसपी ख्याति गर्ग ने निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान में फुर्सतगंज पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने अवैध शराब के तस्करों की कार्रवाई की। टीम ने तस्करों से बड़ी मात्रा में अवैध शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। इस दौरान शराब बेचने के लिए जो कार प्रयोग में लाई जाती थी वह भी मौके पर पकड़ी गई है। पुलिस ने इस घटनाक्रम में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि इस ग्रुप का एक सदस्य अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है और उसे जल्द ही पकड़ने का दावा किया गया है। एसपी के आदेश पर चलाए गए चेकिंग अभियान में फुर्सतगंज पुलिस ने थाना क्षेत्र के डिगिया बॉर्डर के पास से एक कार की तलाशी ली। इस दौरान कार में 19 पेटियों में 855 क्वार्टर मिलावटी शराब, 70 लीटर इथाइल एल्कोहल, मिलावटी शराब की सामग्री के साथ 1000 खाली सीसी, 12 खाली गत्ते सहित अन्य सामान बरामद किया गया है। एसपी ने पकड़ी गई अवैध शराब की कीमत लगभग 43,000 रुपए बताई। 14 तारीख को सुबह हमारे द्वारा जो ये अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में बैरियर चेकिंग होती है और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग होती है, उसी में मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई थाना फुर्सतगंज की पुलिस को। और सूचना प्राप्त होने पर जब वो मौके पर गए तो दिघिया बॉर्डर के पास उनको 2 लोग मिले, वीरेंद्र और विनोद, एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी में, और वो अपने साथ कुछ अवैध शराब और मिलावट वाली शराब की पेटियाँ और फर्जी लेबल जो है वो लेकर जा रहे थे। उनसे और पूछताछ करने पर रामपुर जलालपुर में एक मकान में उन्हीं का एक साथी है राजेश कुमार, उसकी भी गिरफ्तारी की गई है। और इसमें फुर्सतगंज पुलिस द्वारा 19 पेटियों में कुछ 855 क्वार्टर अवैध मिलावटी शराब, 70 लीटर इथाइल एल्कोहल, 1000 खाली शीशी, 5000 ढक्कन, 5000 रैपर, 1 बंडल बार कोड, 90 अदद खुला रैपर, 90 खुली ढक्कन, 12 खाली गत्ते और एक स्विफ्ट डिज़ायर की गाड़ी जिसमें ये लोग इसे स्मगल करते थे, ये सब बरामद किया गया है। और बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है थाना द्वारा और सीओ साहब द्वारा। और इसमें इन लोगों का ये मोडस ऑपरेंडी ये रहता था, इनका जो ब्रेन था जो इसके पीछे था, दिवाकर तिवारी जो अभी फरार है, वो हरियाणा में किसी जो मेन सप्लायर है उस तक अभी हम पहुँच नहीं पाए हैं, वहाँ से ये शराब मंगाता था, स्मगल करता था और यहाँ पर इस बेल्ट में आकर उसी शराब को डाइल्यूट किया जाता था इथाइल एल्कोहल मिला के और पानी मिला के और उसकी लेबलिंग चेंज करके और उसकी MRP चेंज करके फिर उसको आगे जाके स्मगल किया जाता था। इस एरिया में जिस मकान से हमने राजेश को गिरफ्तार किया है उसी मकान में ये सब इनके रैपर, ढक्कन और ये गत्ते ये सब मिले हैं। तो ये पूरी पैकिंग चेंज करके नई पैकिंग बना के उस नई पैकिंग से आगे स्मगलिंग करते थे। और इसमें जो इनका आपराधिक इतिहास है वो भी हम लोग तस्दीक कर रहे हैं। हमारा मेन टारगेट है जो इनका जो मेन ब्रेन चाइल्ड है इसके पीछे दिवाकर, उसको हम जल्द ही गिरफ्तार करेंगे और उससे और भी चीज़ें क्लियर होंगी। और जो इसका चेन जहाँ से शुरू होती है वे आर ट्रैकिंग कर। ये जो पकड़ी गई है शराब और ये उपकरण, ये लगभग कितने की से शराब तैयार होती है मार्केट में? कितने कीमत की मार्केट में ये शराब तैयार की जाती है? 43,000 के करीब का कीमत की ये बरामद की हुई है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।